फरवरी 2021 में एलन मस्क ने ट्वीट किया था क्लब हाउस के बारे में, एंड क्लब हाउस के डाउनलोड्स एकदम से बहुत बढ़ गए थे, एंड हर कोई यही सोच रहा था कि क्लब हाउस है क्या। बहुत ही हाइप क्रिएट हो गई थी उस टाइम पे, क्लब हाउस को इंडिया में शायद कोई ही जानता हो। तब मैंने एक वीडियो बनाई थी क्लब हाउस को लेके, एंड अब इंडिया में जब हर तरफ क्लब हाउस की बातें चल रही है, लोग क्लब हाउस के बारे में जानना चाहते हैं। आप चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो, क्लब हाउस के बारे में ही बातें हो रही है। क्या है ये क्लब हाउस, क्या इसके फीचर्स हैं, क्यों एकदम इतनी हाइप है इसकी, क्यों लोग इसे नेक्स्ट जनरेशन सोशल मीडिया एप्लीकेशन बोल रहे हैं, आज सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए। हे एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग वर्ल्ड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यस लाइक जरूर कर देना। तो पहले मैं आपको वो वाली बातें बता दूं, शायद आपको सुनने में इंटरेस्टेड ना लगे, बट डिटेल है एप्लीकेशन के बारे में देना जरूरी है। इसे अल्फा एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन ने बनाया है, मई 2021 में ये लॉन्च हो गई थी। ये एक इनवाइट ओनली ऑडियो बेस्ड सोशल मीडिया नेटवर्क है, एंड दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ये तो होगी एक छोटी सी डिटेल, इसको रखते हैं साइड में। अब बात कर लेते हैं इसकी इतनी हाइप क्यों है। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फेब 2021 में एलन मस्क ने ट्वीट किया था, एंड उस ट्वीट के बाद क्लब हाउस की इतनी हाइप हुई थी, लोगों में काफी क्यूरियोसिटी जगी कि है क्या क्लब हाउस, क्योंकि एलन मस्क के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, क्लब हाउस के डाउनलोड्स बढ़े, एंड अगेन दिग्विजय सिंह जी की एक ऑडियो वायरल हो रही है। आपको पता ही होगा ऑडियो किस चीज के बारे में, उसके बाद तो क्लब हाउस की बहुत ही हाइप क्रिएट हो गई इंडिया में। अब मैं आपको बता दूं क्लब हाउस है क्या। क्लब हाउस एप्लीकेशन एक इनवाइट ओनली ऑडियो बेस्ड सोशल मीडिया नेटवर्क है। इनवाइट ओनली से मेरे कहने का मतलब है आप इसको डाउनलोड करके लॉग इन करके आप इसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, आपको इसके लिए एक इनवाइट की जरूरत पड़ेगी। ऑडियो बेस्ड ओनली यानी कि आप इस पे सिर्फ बोलकर ही लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, आपको इस पे अलग कोई और ऑप्शन नहीं मिलेगा, ना चैटिंग का, ना फोटो शेयर करने का, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ बोलो और अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हो। अब आपको एक एग्जांपल देके मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि एक स्कूल है या आप एक कॉलेज बोल सकते हो, कॉलेज में अलग अलग कमरे बने हुए हैं, अलग अलग कमरों का नाम अलग अलग लोगों ने रखा हुआ है। अब हर एक कमरे में किसी अलग टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है। अब आप क्या बीइंग अ यूजर, आप उस कॉलेज के कॉरिडोर में घूम रहे हो, हर रूम के सामने आप हर रूम में जाके किसी की भी बातें सुन सकते हो, एंड आपको लगेगा कि बातें इंटरेस्टिंग है तो आप वहां पे रुक सकते हो, अदरवाइज आप वहां से लीव कर सकते हो। हर रूम का अलग अलग नाम होगा, जैसे किसी का नाम होगा मिडनाइट टॉक, किसी का नाम होगा गोस्ट स्टोरीज, किसी का लव स्टोरीज, हर अलग ग्रुप बने हुए हैं। इस रूम को क्लब हाउस की लैंग्वेज में हाउस बोलते हैं, कि अलग अलग लोग अपने अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग हाउस में जाके लोगों की बातें सुन सकते हैं। अगर इंटरेस्टिंग है तो वहां रुक के उनकी और ज्यादा बातें सुन सकते हैं, और अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहते हो तो आप वहां पे हाथ उठा के अपना माइक अनम्यूट करके वहां पे बोल भी सकते हो। इसके फीचर की बात करें तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये एक इनवाइट ओनली ऑडियो बेस्ड सोशल मीडिया नेटवर्क है, तो अगर आपके पास इनवाइट होगा तभी आप इसे यूज कर सकते हो। उससे पहले आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, अपना यूजर नेम रजिस्टर करके रख सकते हो, एंड अपने किसी दोस्त से जो ऑलरेडी क्लब हाउस पे है उससे पूछ सकते हो कि आप मुझे वहां पे इनवाइट भेज सकते हो ताकि मैं उसे यूज कर पाऊं, तो आप इसे यूज कर सकते हो। इस वीडियो के एंड में मेरे पास 3 इनवाइट्स हैं, मैं उनका गिव अवे करूंगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना यूजर नेम लिख सकते हो। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो अपने यूजर नेम के साथ, मैं वहां पे 3 लोगों को इनवाइट भेजूंगा, एंड वो 3 लोग अपने दोस्तों को इनवाइट भेज सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। आपको जैसे इनवाइट मिल जाएगा उसके बाद आपको इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखेगा, राइट। आपके यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर होगी, आप प्रोफाइल पिक्चर पे जाके अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर सकते हो, यहाँ पे आपके फॉलोअर फॉलोइंग्स आ जाएंगे, एंड आप यहाँ पे अपने सोशल मीडिया नेटवर्क्स को भी ऐड कर सकते हो, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो। लास्ट में जो दिख रहा है नॉमिनेटेड बाय, यानी कि आपको किसने इनवाइट किया है उसका नाम आपकी प्रोफाइल पे हमेशा रहेगा। ये वो सारे ग्रुप्स हैं जिनमें इस टाइम पे बातें चल रही हैं। आप किसी भी ग्रुप में जाके, जैसे चाय टपरी वाली, ट्रेवल, इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग प्रैक्टिस, ये सारे ग्रुप के नाम हैं, यानी कि वो रूम्स हैं। अब आप इनमें घुस के उनकी बातें सुन सकते हो। मैं किसी एक में जाने की कोशिश करता हूँ, जैसे चाय टपरी और ट्रेवल में एक बार एंट्री करके देखता हूँ उनकी बातें। ये सारे लोग जिनके माइक म्यूट है ये सब सुन रहे हैं, ये जितने भी मेंबर हैं जिनका माइक म्यूट पर है ये सब सुन रहे हैं, एंड एक जिसने होस्ट किया है वो बोल रहे हैं, एंड आप यहाँ से अपना हाथ रेज कर सकते हो ताकि आप बोल सको। ओके, अभी मैंने रेज किया अपना हाथ, उन्होंने बोला है कि ज्वाइन, उन्होंने मुझे ज्वाइन करा लिया एज अ स्पीकर कि मैं भी बोल सकता हूँ, राइट। वो बातें इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है तो आप यहाँ से लीव क्वाइटली कर सकते हो, आप इस ग्रुप को छोड़ सकते हो गया। ऐसे आप इनकी बातें सुन सकते हो, आप किसी भी ग्रुप में जा सकते हो ऐसे। अब बात कर लेते हैं, आपको प्रोफाइल के बाद ही नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको किसने फॉलो किया है, किसको आपने फॉलो किया है, सब नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएंगे, वो लोग कौन सा ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने किस ग्रुप की वो बातें सुन रहे हैं, वो सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिल जाता है कैलेंडर टाइप जो दिख रहा है,
इसमें आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो जो ग्रुप आपने सेलेक्ट किए हुए हैं वो ग्रुप का किस टाइम के शेड्यूल है आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। जैसे ये आज रात 10 बजे के लिए है इकोनॉमिक फॉरेस्ट, तो आप इसको 10 बजे जाके सुन सकते हो। नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन मिल रहा है ईमेल टाइप का लिफाफा जो दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि आपको किसने इनवाइट भेजा है, आपने किसको इनवाइट भेजा, आप किस किस को इनवाइट कर सकते हो, यहाँ पे आपके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकल जाएंगे। नेक्स्ट आपको स्टार्ट अ रूम, आप यहाँ पे स्टार्ट रूम पे क्लिक करोगे तो आप अपना खुद का एक रूम क्रिएट कर सकते हो, आप उस रूम को होस्ट कर सकते हो, तो उसका आप कुछ भी नाम रख सकते हो, आप उसे ओपन रख सकते हो, सोशल रख सकते हो, क्लोज रख सकते हो। सोशल यानी कि कोई भी आपको जो फॉलो करता है या आप जिनको फॉलो करते हो वो लोग भी आपकी बातें सुन सकते हो वहां पे जाके। ओपन ओनली यानी कि कोई भी कहीं से भी आपकी बातें सुन सकता है। क्लोज ओनली कि आप कुछ ही ग्रुप है, आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर पार्टिसिपेट ही आके हमारी ये बातें सुने। यहाँ से आप सर्च कर सकते हो फॉलोअर्स को, फॉलोइंग को, जिन लोगों को आप फॉलो करना चाहते हो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। इसके बाद आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक भी सर्च करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आ गया आर्ट, नॉलेज, लैंग्वेज, प्लेस, फेथ, वर्ल्ड अफेयर, सब कुछ यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आप यहाँ से जाके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक चुन सकते हो, कोई भी उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को फॉलो कर सकते हो। तो इस तरह आप क्लब हाउस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं एंड दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है एंड इसमें मेरे पास 3 इनवाइट्स है, मैं 3 इनवाइट्स का गिव अवे करूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम अपना यूजर नेम लिख सकते हो तो आई विल इनवाइट यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इफ यस तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि जितनी भी ट्रेंडिंग लेटेस्ट और अच्छी एप्लीकेशन होती है मैं उन्हें रिव्यू करता हूं। पुरानी एप्लीकेशन के जो भी अपडेट आते हैं उनके बारे में वीडियो बना के आप लोगों को बताता हूं।